hello everyone this is meenakshi rana in this video i am going to explain you history chapter 4 what books and burials tell us so let's start firstly we will discuss about mary in the library as the bell rang the teacher asked the students to follow him because they were going to the library for the first time Jesehi <inaudible> hi टीचर ने स्टूडेंट्स को अपने साथ आने को कहा क्योंकि आज वे फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी जा रहे थे जब मैरी ने अंदर कदम रखा उसने देखा कि लाइब्रेरी उसकी क्लास से काफ़ी बड़ी थी और वहाँ बुक्स से भरे हुए कई रैक रखे थे कोने में एक अलमारी थी मोटी मोटी किताबों से भरी थी मैरी एक अलमारी खोलने की कोशिश करने लगी तभी टीचर ने उसे देखकर बोला कि इस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण किताबें रखी हैं क्या तुम जानती हो कि हमारे पास वेदों का भी संग्रह है मेरी सोचने लगी वेद क्या हैं? चलो पता लगाते हैं वन ऑफ़ द ओल्डेस्ट बुक्स इन वर्ल्ड यू मे हैव हार्ड अबाउट द वेदाज देर आर फोर ऑफ दैम द ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद एंड अथर्वेद द oldest वेद इज ऋग्वेद composed अबाउट 3500 years ago. शायद आपने वेदों के बारे में सुना होगा वेद चार प्रकार के होते हैं ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्ववेद इनमें सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद जिसकी रचना लगभग 3500 थाउजेंड ईयर्स पहले हुई थी ऋग्वेद में थाउजेंड से भी ज़्यादा भजन शामिल हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है सूक्त मीन्स होता है अच्छी तरह से बोला गया ये भजन विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं इनमें से तीन देवता बहुत इंपॉर्टेंट हैं अग्नि इंद्र और सोम अग्नि आग के देवता हैं इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक प्लांट है जिससे स्पेशल ड्रिंक बनाया जाता था लुक एट द नेक्स्ट पैरा composed by वर rishis, priests, टोट स्टूडेंट्स टू recite एंड मेमोराइज each syllable, वर्ड एंड सेंटेंस वैदिक भजनों की रचना ऋषियों ने की थी और जो प्रीस्ट होते थे वो स्टूडेंट्स को इन्हें वर्ड्स और सेंटेंस में बांटकर याद करवाते थे अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले लोग होते थे कुछ सूक्तों की रचना भीमन ने भी की थी ऋग्वेद की भाषा वैदिक संस्कृत कहलाती है आप जो स्कूल में संस्कृत पढ़ते हो उससे ये थोड़ी डिफरेंट होती है नाव वी विल डिस्कस अबाउट संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेज संस्कृत इज पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज नॉन एज इंडो यूरोपियन संस्कृत इंडो यूरोपियन के नाम से जानी जाने वाली भाषाओं के परिवार का एक पार्ट है अर्थात संस्कृत भाषा भारत प्लस यूरोपीय भाषा परिवार का हिस्सा है भारत की कई भाषाएं हैं जैसे असमीज, गुजराती हिंदी कश्मीरी और सिंधी एशियाई भाषाएं जैसे फारसी और यूरोप की बहुत सी भाषाएं हैं जैसे इंग्लिश फ्रेंच जर्मन ग्रीक इटालियन और इस्पेनिश आदि इसी फैमिली से बिलोंग करती हैं उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे फॉर एग्जाम्पल मात्र संस्कृत में कहते हैं माँ हिंदी में और मदर इंग्लिश में कहते हैं इन शब्दों को देखिए क्या आपको इनमें कोई समानता नज़र आती है उप महाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ ईस्ट में तिब्बत वर्मा फैमिली की लैंग्वेजेज़ बोली जाती हैं तमिल तेलगू कन्नड़ और मलयालम ये सब द्रविड़ फैमिली की लैंग्वेजेज हैं जबकि झारखंड और सेंट्रल इंडिया के कई पार्ट्स में बोली जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती हैं द बुक्स वी यूज़ आर रिटन एंड प्रिंटेड द रिग्वेद वॉज रिसाइटेड एंड हार्ड रेदर देन रीड हम जिन बुक्स को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं ऋग्वेद को रिसाइट किया जाता था और सुना जाता था न कि पढ़ा जाता था रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया और इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 हंड्रेड ईयर्स पहले हुआ था नाव वी विल डिस्कस अबाउट हाउ हिस्टोरियंस स्टडी द रिग्वेद

सम ऑफ द हिम्स इन दिग्वेद आर इन दायलॉग्स दिस इज पार्ट ऑफ हिम्स विश्वामित्र एंड टू रिवर्स व्यास एंड सतलज दैट वर व शिफ्ड एज गोडेस ऋग्वेद के कुछ सूक्त डायलॉग्स के रूप में है विश्वामित्र नाम के ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलज के बीच यह डायलॉग एक ऐसे ही सूक्त का पार्ट है नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट विश्वामित्र एंड द रिवर्स विश्वामित्र नदियों से कहते हैं हे नदियों अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती हुई गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से तुम रथों की तरह सागर की ओर बह रही हो तुम जल से भरी हुई हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो अब नदियाँ कहती हैं हम जल से भरी हुई हैं और देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता हे ऋषि आप हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हैं विश्वामित्र हे बहनों मुझ गायक की प्रार्थना सुनो मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों के पहियों के ऊपर न उठाओ ताकि हम आसानी से उस पर जा सकें नदियाँ कहती हैं हम आपकी प्रार्थना सुनेंगे जिससे आप सब सुरक्षित उस पार जा सकें इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां ये नदियां बहती हैं वे यह भी बताते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों की बहुत वैल्यू होती थी इसलिए नदियों को घोड़ों और गायों से कंपेयर किया गया है ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अदर रिवर्स स्पेशली इंडस और इसकी सहायक नदियाँ और सरस्वती को भी मेंशन किया गया है गंगा और यमुना का वर्णन केवल एक बार किया गया है लुक एट मैप वन पेज टू एंड लिस्ट फाइव रिवर्स दैट आर नॉट द दिग्वेद अ पेज फ्रॉम अ मेन्यू स्क्रिप्ट ऑफ द रिग्वेद दिस मैन्यू स्क्रिप्ट ऑफ द ऋगवेद ऑन बीर्स बार्क वॉज फाउंड इन कश्मीर ऋग्वेद की मैन्यू स्क्रिप्ट का एक पेज भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी यह मेन्यू स्क्रिप्ट कश्मीर में पाई गई थी लगभग वन हंड्रेड पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका यूज किया गया था इसी मैन्यू स्क्रिप्ट को देखकर इंग्लिश ट्रांसलेशन तैयार हुआ यह मेन्यू स्क्रिप्ट पुणे में महाराष्ट्र की एक लाइब्रेरी में अभी भी रखी हुई कैटल हॉर्सेज एंड चैरियट्स देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेद फॉर कैटल चिल्ड्रन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस ऋग्वेद में मवेशियों बच्चों खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रयत्नाएँ हैं घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था इन बैटल्स में मवेशी जीत कर लाए जाते थे लड़ाइयाँ लैंड के लिए भी लड़ी जाती थी जो चरागाह के लिए इम्पोर्टेंट होती थी और जल्दी पकने वाली फसलें उगाने के लिए जैसे जो कुछ लड़ाइयाँ पानी के लिए भी लड़ी जाती थी और लोगों को बंदी बनाने के लिए सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ओपटेंड वॉज कैप्ड बाय द लीडर्स सम वॉज गिवन टू द प्रीस्ट एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगस्ट द पीपल युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे और कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था और शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था कुछ धन यज्ञ के लिए भी बचाया जाता था यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी ये आहूतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी घी अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी लुक एट द नेक्स्ट पैरा मोस्ट मैन टू पार्ट इन दीज वार्स देर वॉज नो रेगुलर आर्मी बट देर वर असेंबलीज वेयर पीपल मेट एंड डिस्कस्ड मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस दे ऑल्सो चोज लीडर्स हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वरियर्स अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे कोई परमानेंट आर्मी नहीं होती थी बट लोग मीटिंग्स करते थे और उसमें मिलकर युद्ध व शांति के मैटर पर डिस्कशन किया करते थे वहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हों वस टू डेस्क्राइब पीपल लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द देर आर सेवरल वेज ऑफ डिस्क्राइबिंग पीपल इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू द लैंग्वेज दे स्पीक द प्लेस दे बिलोंग टू दियर फैमिली दियर कम्यूनिटीज एंड कल्चरल प्रैक्टिस वर्णन करने के कई तरीके हैं जैसे लोगों द्वारा किए गए कार्य वे जिस भाषा में बात करते हैं वह प्लेस जहाँ से वे बिलोंग करते हैं उनकी फैमिली उनके समुदायों और सांस्कृतिक प्रथाओं के बारे में वर्णन करने के कई तरीके हैं आइए देखते हैं ऋग्वेद में पाए जाने वाले लोगों का वर्णन करने के लिए यूज़ किए जाने वाले कुछ शब्दों को ऐसे टू ग्रुप्स हैं जिनका वर्णन काम के आधार पर किया गया है पुरोहितों जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था तरह तरह यज्ञ और अनुष्ठान करते थे दूसरे लोग थे राजा ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में आप बाद में पढ़ोगे उनके पास कैपिटल सिटीज पैलेसेस या आर्मीज नहीं थी और न ही वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे जनरली बेटे अपने आप पिता के बाद राजा के रूप में सफल नहीं होते थे रीड द प्रिवियस सेक्शन वंस मॉर एंड सी वेदर यू कैन फाइंड आउट वट द राजा डिड टू वर्ड्स वर यूज टू डिस्क्राइब द पीपल और द कम्युनिटी एज अ होल वन वॉज द वर्ड जन विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेज लोगों या समुदाय का वर्णन करने के लिए टू वर्ड्स का यूज किया जाता था एक था जन शब्द जिसका यूज़ हम आज भी हिंदी और अदर लैंग्वेजेज में करते हैं दूसरा वर्ड था विश जिससे वैश्य शब्द निकला है कई विश या जन नेम से मेंशन है जैसे पुरुजन या विश भारतजन या विश यदुजन या विश आदि Students remaining part of this chapter i will explain you in next video if you like this video please subscribe to my channel and don't forget to press the like button thanks for watching have a good day